जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए, वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश, देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है, ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा तक करके लिए है। मुझे मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे, कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं, जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है, देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का, भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।